Ellerinizi çabuk tutasınız hekimler. Yoksa babam ölecek. Haydi. Bu kaleden kovuyorum. Bu yaptığınız kalleşliktir. Ama yaparsın. Allah'ım sen bize kuvvet ver. Nerede? Bizim başlarımız dalgalanacak. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे सुल्तान मलिक शाह बेहोशी की हालत में कनक कबीले के खेमे में लेटे होते हैं और तुरना खतून बाकी तबीबों के साथ मिलकर सुल्तान मलिक शाह के लिए तरियाक बनाने में मसरूफ होती हैं, जबकि वहाँ मौजूद बशोलो खतून मलिक ताबार और वज़ीर आज़म इंतहाई बेचैन और परेशान होते हैं। मलिक ताबार काफी देर बेचैनी से टहलने के बाद सुल्तान मलिक शाह के पास आकर बैठ जाता है और उनके हाथ को चूमने के बाद परेशानी के आलम में एक मरतबा फिर से खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब में जाकर गुरूब हो जाता है। सूरज के ढलते ही मलिक ताबार भी खेमे से बाहर आ जाता है और हर तरफ अंधेरा देखकर जल्दी से खेमे की जानिब चला जाता है। फिर कहता है, रात हो चुकी है, क्या अभी तक तरियाक तैयार नहीं हुआ? तो तबीब कहता है, हम इसी में मसरूफ है शहजादे साहब। इसी दौरान सुल्तान जोर से एक सांस लेते हैं तो वज़ीर आज़म आगे बढ़कर उनकी नब्ज पे हाथ रख लेते हैं। सुल्तान की नब्ज पे हाथ रखते ही वज़ीर आज़म बुलंद आवाज से कहते हैं, सुल्तान की नब्ज की धड़कन कम हो रही है, जल्दी करो जल्दी। इस पर तुरना खतून परेशानी से कहती है, जो कुछ तबीब बर्तों ने कहा था वो कर चुके हैं, मगर ये बूटियाँ आसानी से नहीं पिस रही। इसी दौरान तबीब आगे बढ़कर सुल्तान मलिक शाह की सांसों का जायजा लेता है और कहता है, इनकी सांसें गुजरते वक्त के साथ कम हो रही हैं, हम सुल्तान को खो रहे हैं। ये सुनकर हर शख्स हक्का बक्का रह जाता है और तबीब सुल्तान मलिक शाह की गर्दन पर पड़ी गिल्टी देकर तड़पते हुए कहता है, तरियाक तैयार हो गया है तो दे तुरना खतून, वक्त खत्म होने से पहले देना होगा। ये सुनकर तुरना खतून एकदम से तरियाक को दूसरे बर्तन में डालती हैं और आगे बढ़कर तबीब के हाथ में दे देती हैं। इसी दौरान तुरना खतून को हकीम बर्तों की बात याद आती है, जब हकीम बर्तों ने कहा था रंग की तासीर जाहिर होने तक। इसके साथ ही तेजी से आने वाला तीर हकीम बर्तों की मौत का पैगाम बन गया था। यह ख्याल आते ही तुरना खतून तबीब को सुल्तान मलिक शाह के मुंह में तरियाक डालने से रोक देती है और तरियाक लेते हुए कहती है, हकीम बर्तों कह रहे थे कि इसे इतना कूटना कि जर्द हो जाए। यह कहते साथ ही तुरना खतून एक मरतबा फिर बैठकर तरियाक को कूटना शुरू कर देती है, जबकि हर शख्स कभी बेचैनी से तुरना खतून की जानिब और कभी सुल्तान की जानिब देखता है। तरियाक का रंग तब्दील होते ही तुरना खतून आगे बढ़कर उसे सुल्तान के मुंह में डालना शुरू कर देती है। इधर सलजोगी महल में ज़ुबैदा खतून बाकी खवातीन से बैठकर सुल्तान के लिए दुआ करते हुए कहती है, ऐ हमारे रब, हमारे सुल्तान जो कुफार से जंग में तेरे रास्ते पर चल रहे हैं, अब उन्हें तेरी शिफा की जरूरत है। सुल्तान मलिक शाह इस्लाम के झंडे के मुहाफिज है, आलम इस्लाम को इस मुहाफिज से महरूम न करना ऐ अल्लाह। वो गद्दार जो लश्कर और सल्तनत के खिलाफ कोशिशें कर रहे हैं उन्हें मौका ना देना या रब। हमारे मकसद सल्तनत और सुल्तान को हमारे सरों पर कायम दायम रखना या रब। आमीन आमीन आमीन। दूसरी जानिब सलजोकू के तमाम दुश्मन जंगल में एक मुकाम पर जमा होते हैं और मिथ्यास कहता है, मैंने बकिया कायदीन और कायद अलबरट को खबर भेज दी थी, वो कल अपने सिपाहियों के साथ वादी में होंगे। ये सुनकर मरकोज कहता है, हम जिनके मुंतजर थे आखिरकार वो आ रहे हैं। कायदीन तक इन मालूमात के पहुंच जाने के बाद सलजोक सल्तनत जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी। फिर लीविया कहती है, सलजोकी सिपाहियों ने अस्फहान में अफरा तफरी मचा दी है, अगर हम इस इंतजार को हवा दें तो फिर चारों तरफ से इंतजार फूट पड़ेंगे। चूँकि मलिक शाह मौत के दहाने पर है इसलिए कोई भी इस इंतजार को रोक नहीं पाएगा। इस पर सब्बा कहता है, मलिक शाह उनके सरों पर नहीं है इसलिए हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, अब हम उनको एक मार और मारेंगे। शहजादा हिजाक्योस मलिक शाह के साथ किए गए तमाम मायदे तोड़ देगा और यह चीज उनके एतमाद को मिट्टी में मिला देगी। यह सुनकर हिजाक्योस कहता है, अगर सलजोकों ने कोवल किले की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? तो सब्बा कहता है, जब तमाम मामलात पेचीदा हैं तो वो इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकते। सलजोकी लश्कर सुल्तान के हुक्म के बगैर अपनी जगह नहीं छोड़ता और उस लश्कर को मलिक शाह के अलावा कोई भी कोवल किले की तरफ नहीं ला सकता। फिर मरकोज कहता है, इन मालूमात पर भरोसा रखो जो हमारे पास है, इन मालूमात की बदौलत हम उन सब को खत्म कर देंगे। कोवल किले पर हमला तो दूर की बात है, वो अपने महल से भी नहीं निकल सकेंगे। यह सुनकर हिजाक्योस कहता है, मेरे साथ किए गए बर्ताव की कीमत मैं बहुत दर्दनाक तरीके से वसूल करूंगा। तो सब्बा कहता है, अब अपने दिमाग से सलजोकों का खौफ निकाल दो शहजादे, जब मैं शर्मजार पर कब्जा करूंगा तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी, फिर इस खत्ते में सिर्फ हम दोनों मौजूद होंगे। इसके साथ ही मरकोज खड़ा हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, ये शराब जो तुम पी रहे हो ये फतह करीब होने की इलामत है, कल से सलजोकों का जवाल शुरू हो जाएगा।
फतह करीब है। यह सुनते ही पूरा जंगल फतह फतह के नारों से गूंज उठता है। उधर कनक कबीले में वजीर आजम मलिक तबार के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, सुल्तान की गैर मौजूदगी में कुछ सिपाहियों ने इंतजार फैलाया था, मगर ज़ुबैदा खातून ने उन्हें उनके हद में रखा। अवाम सिपाहियों और तमाम दुश्मनों का बहुत जल्द यह सुनना जरूरी है कि सुल्तान अपनी हालत पर वापस आ गए हैं। उनका सुनना जरूरी है ताकि हम फसाद की जड़ को काट सकें। इसी दौरान वहाँ तुरना खातून आती है। उन्हें देखकर मलिक तबार बेसब्री से पूछता है, तुरना खातून हमारे सुल्तान की हालत कैसी है? तो तुरना खातून कहती है, अभी भी उसी हालत पर है। हमारे पास इंतजार और दुआ के अलावा कोई हल नहीं है। यह सुनकर वजीर आजम और मलिक तबार बहुत परेशान हो जाते हैं और मलिक तबार कहता है, क्या संजार को मालूमात सुपुर्दगी के मुकाम का पता चल गया होगा? इस पर वजीर आजम कहते हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई है, यकीनन वो उनके ताकुब में होगा। अगर कोई मसला हुआ तो वो हमें पैगाम पहुंचा देगा। फिलहाल संजार का काम बहुत मुश्किल है, सल्तनत की बका का बोझ उसी के कंधों पर है। दूसरी जानिब शलमजार में संजार अपने साथियों के साथ एक जगह छुप कर नेगुलास के घर की जानिब देख रहा होता है। बसकोश कहता है, हम हमला करके ताजर नेगुलास से उगलवा सकते हैं। इस पर संजार कहता है, अगर झड़प अंदर हुई तो वो मौका पाकर निकल भी सकता है, इसलिए हम बाहर ही उसका इंतजार करेंगे। हमें मिथ्यास के ठिकाने का उसी से पता चल सकता है। फिर संजार परेशान होते हुए कहता है, न जाने सुल्तान किस हाल में होंगे, उनको तरियाक मिल गया होगा इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी उन मालूमात को लेना और सुल्तान मलिक शाह के इंतकाम को रायगा ना जाने देना है। हम सुल्तान के लिए अपनी जान हथेली पर रख देंगे बहादुरों। यह सुनकर संजार के तमाम साथी हाँ में सर हिलाते हैं। इसी दौरान नेकुलास के घर का दरवाजा खुलता है और नेकुलास अपने निकाब पोश सिपाहियों के साथ घर से बाहर आता है। नेकुलास के घर से निकलते ही संजार अपने साथियों के साथ उसके सामने आ जाता है और कहता है, ताजरों के सरबराह नेकुलास, हम तुम्हारे खेल के अख्तितान तक पहुँच चुके हैं, मुझे मिथ्यास का ठिकाना बताओ। इस पर नेकुलास कहता है, मैं मिथ्यास के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके साथ ही अपने सिपाहियों की जानिब मुड़ के कहता है, मार दो इन सब लुटेरों को। ये कहते साथ ही नेकुलास वहाँ से दौड़ लगाता है और संजार के साथी उसके सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं, जबकि संजार आंधी और तूफान की तरह नेकुलास के ताकुब में जाता है। संजार के साथी जबरदस्त अंदाज में लड़ते हुए नेकुलास के साथियों की खूब दुर्गत बनाते हैं और उन्हें उठा उठा कर दीवारों के साथ दे मारते हैं। उधर नेकुलास भागते भागते एक मुकाम पर जाकर छुप जाता है और संजार उसके करीब से दूसरी जानिब चला जाता है। संजार के जाने के बाद नेकुलास जैसे ही निकल कर आगे बढ़ता है, संजार पीछे से आकर उसे दबोच लेता है और उसके मुँह पर एक जोरदार मुक्कर सीत करते हुए पूछता है, क्या समझते थे कि मुझसे भाग जाओगे? बोलो मिथ्यास कहाँ है? जवाबन नेकुलास कहता है, मुझे क्या पता, क्या मैं तमाम ताजरों की निगरानी करता हूँ? यह सुनकर संजार उसे एक मुकर सीध करते हुए पूछता है, तो फिर जब मैंने मिथ्यास के बारे में पूछा तो भागे क्यों थे? इस पर नेकुलास कहता है, मैं डर गया था। यह सुनते ही संजार उस पर टूट पड़ता है और उसकी खूब दुर्गत बनाने के बाद कहता है, क्या समझते हो कि मैं तुम लोगों के खेलों से नावाकिफ हूँ? मिथ्यास कोई ताजर नहीं है, बल्कि वो उस सोने को लेकर जाने वाला है जो तुम स्लीबी जंगजू को देने वाले हो। इस पर नेकुलास अनजान बनते हुए कहता है, वो इस तरह की गद्दारी कैसे कर सकता है? तो संजार कहता है, अगर तुम मुझसे उसका ठिकाना छुपाओगे तो इस जुर्म में बराबर की शरीक ठहरोगे। फिर उस वक्त मैं तुम्हारी सजा जल्लादों के सुपुर्द नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें खुद कत्ल करूंगा। यह कहते साथ ही संजार अपना खंजर नेकुलास के गले पर रख देता है और नेकुलास हामते कामते हुए कहता है, मैं उसका शरीक नहीं हूँ, मैं बताता हूँ कि वो कहाँ छुपा है। वो मगरबी तरफ में एक सराय में है। यकीनन अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं उसके साथ शरीक नहीं हूँ। इस पर संजार कहता है, इतनी आसानी से नहीं होगा, मैं अभी तो तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूँ, मगर बाद में तुम्हारा हिसाब करूँगा। ये कहते साथ ही संजार नेकुलास को एक जोरदार मुक्कर सीध करता है और नेकुलास जमीन पे गिरते ही बेहोश हो जाता है। इसी दौरान संजार के साथी भी भागे भागे वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देख कर संजार कहता है, मिथ्यास का पता चल गया है, बलाबान दो सिपाहियों को बुलाओ, वो इसे ले जाए, वो दोनों इसकी पैरेदारी करेंगे। संजार का हुक्म मिलते ही बलाबान वहाँ से चला जाता है और संजार अपने साथियों से कहता है, अब हम मगरबी जानिब सराय में जाएंगे और मिथ्यास को पकड़कर पता लगाएंगे कि वो किसके लिए काम करता है। इसके साथ ही संजार अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है और बलाबान भी वहाँ पहुँच कर नेकुलास को दो सलजोकी सिपाहियों के हवाले कर देता है। इधर सलजोकी महल में ज़ुबैदा खातून अपनी खादिमों के साथ राहदारी से गुजर रही होती है। इसी दौरान वहाँ एक सलजोकी सिपाही आता है और अदाब बुझा लाने के बाद कहता है, ज़ुबैदा खातून, एक अहम खत आया है, आपका देखना जरूरी है। इस पर ज़ुबैदा खातून पूछती है, किसकी तरफ से आया है? तो सिपाही कहता है, सुल्तान मलिक शाह के भाई तकिश साहब की तरफ से। यह सुनकर ज़ुबैदा खातून शदीद गुस्से में सिपाही के हाथ से खत ले लेती है और सिपाही को वहाँ से भेजकर खत पढ़ने में लग जाती है, जिसमें लिखा होता है, अफसोस के साथ मैंने अपने भाई सुल्तान मलिक शाह की हालत के बारे में सुना। सल्तनत के वारिस ऐसी नगहानी हालत में जाहिर हो रहे हैं, हम ऐसी गैर मुतवक्का चीजों की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह मेरे भाई को सेहत कामला अता फरमाए। अलब अरसलान का बेटा तकिश। खत पढ़ने के बाद ज़ुबैदा खातून का रहा सहा हौसला भी टूट जाता है और वो परेशानी के आलम में कहती है, अब तुम्हारी ही कमी रह गई थी तकिश। मलिक शाह बीमार क्या हुआ? गिद्दू ने सरों पर मंडलाने शुरू कर दिया। या अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमा। आप कहाँ हैं मलिक शाह? आप कहाँ हैं सल्तनत के सरताज? खड़े हो जाएं और इन बेलगामों को लगाम दें। कैसी नागहानी सूरत हाल है।
सल्तनत के वारिस जाहिर हो रहे हैं। हम ऐसी गैर मुतवक्को चीजों की इजाजत नहीं देंगे। खत के ये अल्फाज याद आते ही ज़ुबैदा खतून के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, संजार। ये कहते साथ ज़ुबैदा खतून अपने खदमों के साथ वहाँ से चली जाती है। उधर तरकान अपने कमरे में ममलिक के बाल संवार रही होती है और ममलिक पुरनम आंखों के साथ कहती है, अभी तक कोई खबर नहीं आई अम्मी जान, अगर बाबा को कुछ हो गया तो। इसी दौरान कमरे में गौर खतून दाखिल होती है। उन्हें देखकर तरकान और ममलिक जल्दी से उनके पास जाती है और तरकान उनके आने की वजह पूछती है तो गौर खतून कहती है, मुझे शक हो रहा है तरकान खतून, कबीले से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। सुल्तान की बीवी होते हुए भी आप सुल्तान की हालत से नवाकिफ हैं। इतनी खामोशी मुझे खौफजदा कर रही है। इस पर तरकान पूछती है, कौन सा शक तुम्हें बेचैन कर रहा है? तो गौर खतून कहती है, इस यकीन में शक है कि सुल्तान जिंदा है। क्या होगा अगर सुल्तान अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गए हो तो, और अगर ये लोग हमसे हकीकत छुपा रहे हुए तो फिर क्या होगा? ये सुनकर तरकान अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, अल्लाह ना करे, अगर सुल्तान को कुछ होता तो हम यकीनन सुन चुके होते। जवाबन गौर खतून कहती है, ज़ुबैदा खतून अंदर ही अंदर हर किस्म के हालात से निमटने की तैयारी कर रही है। अगर सुल्तान मलिक शाह फौत हो गए तो वो फौरन ही बरकिया रोग को तख्त नशीन कर देंगे और इसी वजह से वो हमें महल से बाहर नहीं जाने दे रहे। जवाबन तरकान कहती है, उस औरत से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। हम अपने दिमाग से तमाम शकूक दूर करेंगे। कल सुबह सवेरे में कबीले जाऊंगी और मलिक शाह की हालत अपनी आंखों से देखूंगी। इस पर माँ मलिक कहती है, ज़ुबैदा खतून ने पहले भी जाने की इजाजत नहीं दी थी। तो तरकान कहती है, आज के बाद हम किसी की इजाजत के मोहताज नहीं होंगे। जबकि मेरे शोहर बिस्तर मर्ग पर हों तो क्या मैं ज़ुबैदा खतून से इजाजत लूंगी? नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे कोवल किले में हिज़ाक्यो सलजुकी सिपाहियों के सामने खड़ा होता है और कहता है, सुल्तान मलिक शाह मौत के दहाने पर है। हो सकता है कि वो मर गए हों, लेकिन इंतशार फैल जाने के डर से तुम लोग छुपा रहे हो। वो मुआहिदा जिन पर हमने उनसे इत्तेफाक किया था वो जारी नहीं रहेगा। इस पर सलजुकी कमांडर कहता है, हमारे सुल्तान जिंदा है, अगर उन्हें कुछ होता तो हम तक खबर पहुंच जाती। मुआहिदे की शरायत को यकीनी बनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। ये मुआहिदा सुल्तान की मर्जी के बगैर नहीं तोड़ा जा सकता। ये सुनकर हिज़ाक्यो सलजुकी कमांडर से मुआहिदे की कापी ले लेता है और कहता है, अगरचा सुल्तान का इख्तियार खत्म नहीं हुआ मगर वो बिस्तर मर्ग पर है और जब सुल्तान ही मौजूद नहीं है तो ये मुआहिदा नहीं रहेगा। ये कहते साथ ही हिज़ाक्यो उस मुआहिदे को फाड़ देता है और मजीद कहता है, मैं मस्जिद की तामीर रोक दूंगा और मजीद मुसलमान ताजरों को नहीं लूंगा, तुम लोगों को इस किले से निकाल दूंगा। ये सुनकर सलजुकी कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, अपनी हद में रहो। इस पर हिज़ाक्यो उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और स्लीबी सिपाही आगे बढ़कर तमाम सलजुकी सिपाहियों को काबू कर लेते हैं। फिर हिज़ाक्यो कहता है, मुआहिदा उस वक्त नाफिज होगा जब उसे नाफिज करने वाले जिंदा होंगे। अगर हाकिम मौजूद नहीं है तो फिर कोई मुआहिदा नहीं है। अगर तुम लोगों ने अपनी हद पार की तो फिर मैं भी अपनी हद पार करूंगा और तुम्हें सजा दूंगा। इस पर सलजुकी कमांडर कहता है, सुल्तान मलिक शाह तुम्हारी इस हरकत का जरूर हिसाब लेंगे। तो हिज़ाक्यो कहता है, पहले वो जिंदा तो बच जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। जवाबन सलजुकी कमांडर बुलंद आवाज से कहता है, सुल्तान मलिक शाह दोबारा आएंगे और तुम लोगों की लाशें गिराएंगे, मगर इस बार तुम्हारे पुजारियों से पहले तुम्हारा सर काटेंगे। यह सुनकर हिज़ाक्यो सलजुकी कमांडर को जोरदार लात दे मरता है और चिल्लाते हुए कहता है, इनको किले से बाहर फेंक दो। ये सुनते ही स्लीबी सिपाही सलजुकी सिपाहियों को किले से बाहर ले जाते हैं। दूसरी जानिब बहुत से स्लीबी सिपाही जंगल में बैठे खाना खा रहे होते हैं जबकि कमांडर अल्बर्ट अपने साथी के साथ वहां टहल रहा होता है। कमांडर अल्बर्ट का साथी कहता है, हमारे जंगजू सलजुकों पर हमले के लिए बेताब हैं जनाब। इस पर अल्बर्ट कहता है, कल जब मार्कोस वो मालूमात लाएगा तो हम अपने गुमान से बढ़कर काम करेंगे प्यारे दोस्त। फिर अल्बर्ट अपने सिपाहियों से कहता है, कल हम सलजुकों के खुफिया तरीन और अहम राजू के मालिक हो जाएंगे और उन मालूमात के जरिए हम सलजुकों की शरक दुबोच लेंगे। जब सलजोक सल्तनत तबाह होगी तो हम तुर्कों को सफा हस्ती से मिटा देंगे। अनाजोल और कुछ हमारा हो जाएगा। हर कोई उनकी मस्जिदों की जगह हमारे कलीसाओं को देखेगा और उनके झंडों की जगह हमारा झंडा लहराएगा। ये सुनकर तमाम स्लीबी सिपाही फतह फतह के नारे बुलंद करते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगेबान।